Assalamualaikum. लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने गिग पब्लिश किया था सक्सेसफुली. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डैशबोर्ड ओवरव्यू की, कि आपने जब फाइवर प्रोफाइल बना लेते हैं उसके बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस का क्या मतलब है, कौन से ऑप्शंस को आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों के अबाउट बात करेंगे ताकि आपको पूरा डैशबोर्ड इस्तेमाल करना आ जाए. तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मजीद देखते हैं इसको किस तरह से हमने परफॉर्म करना है. तो मैं आ चुका हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और जब भी आप फाइवर प्रोफाइल ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड नजर आता है. डैशबोर्ड नहीं मतलब इंटरफेस. तो यहाँ पे कुछ गिग्स जो है बाकी सेलर्स ऑफर कर रहे हैं आपको इस तरह से नजर आती है. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है. तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज की जो सेलर्स हैं वो बैठे हैं. आप कोई भी कैटेगरी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लोग क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास है हमारा डैशबोर्ड. सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सर्च है, कोई भी सर्विस आप सर्च कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन है. कोई भी नोटिफिकेशन फाइवर की तरफ से आता है, कोई SMS, कोई ऑर्डर कैंसिल होता है, कोई ऑर्डर आपको आता है, उन सब के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो होंगे. उसके बाद कोई मैसेज आपको करता है बाहर, कुछ भी करता है, कोई भी मैसेजेस का जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कुछ लिस्ट ऑफ फेवरेट्स, के कौन सी चीज़ें जो है फेवरेट मैंने किए हुए हैं. कोई गिग अगर मुझे अच्छा लगता है तो उसको मैं किस तरह से फेवरेट कर लूँगा. अब लेट्स से मुझे ये वाला गिग अच्छा लगा, ठीक है, इसकी सर्विसेज मुझे अच्छी लगी और इसको मैं यहाँ से फेवरेट कर सकता हूँ. ये वाले इस हार्ट आइकन पे क्लिक करूँगा तो फेवरेट इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएगा, और ये हमेशा मतलब एज अ बुक मार्क या सेव कर सकते हैं आप इसको. उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स हैं. हमारे पास कोई ऑर्डर अभी तक नहीं है. और उसके बाद हमने इसको करना है स्विच टू सेलिंग, कि हम सर्विसेज जो है बेच रहे हैं. जैसे ही उसको हम स्विच टू सेलिंग करेंगे तो हमारे पास हमारा सेलिंग डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा. और यहाँ पे देखें हमारी जो कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ हमारा नाम दिखा रहा है, पिक्चर दिखा रहा है, हमने कितने स्टार रिव्यूज़ लिए हैं वो सारी चीज़ें दिखा रहा है. और यहाँ पे कुछ रिस्पांस रेट्स हैं, इनबॉक्स रिस्पांस रेट, और इन सारी चीज़ों के अबाउट में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेडिकेटेड बात करूँगा. यहाँ पे फिर से इनबॉक्स है हमारे पास, कि आपके पास कोई SMS आया तो वो यहाँ पे शो होगा. उसके बाद आपने क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस नजर आएंगे, प्रोफाइल का, सेटिंग्स का, बिलिंग का, और लैंग्वेज चेंज करने का, करेंसी चेंज करने का. तो ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ प्रोफाइल के अंदर और देखता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं. जैसे मैंने क्लिक किया प्रोफाइल पे, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास कुछ ये इस तरह से डैशबोर्ड है, और इसके ऊपर हमारी सारी डिटेल्स हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, और इसके हमने अच्छे से इसको हमने स्टडी किया था, राइट. और राइट साइड में हमारे पास गिग्स हैं. तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि गिग्स बना सकते हैं, और जो भी गिग आपने पब्लिश किए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे. और यहाँ से अगर आपको नया गिग बनाना है तो सिंपल इस पे क्लिक करने के बाद वो सारा प्रोसेस आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा नए गिग के लिए, राइट. और उसके बाद फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए. तो हमारे पास अगेन वही मैसेज वाला और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे, मैसेजेस वाले यहाँ पे, अगर कोई ऑर्डर्स हमें आए हुए हैं, कोई ऑर्डर लेट है, एक्टिव है, लेट है, डिलीवर्ड है, कंप्लीटेड है, कैंसिल हुआ है, स्टार्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखें को मिल जाएंगे इस वाले सेक्शन के अंदर, ये सारी चीजें. उसके बाद हमने देखने हमने कितने गिग्स पब्लिश किए, उन गिग्स के ऊपर कितने इंप्रेशन, कितने क्लिक्स, कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने ऑर्डर किया, ठीक है, वो सारी डिटेल्स हमें यहां से देखने को मिल जाएंगी. हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो मजीद ये गिग हमें बिल्कुल देखने को मिल जाएगा. और हमने ये गिग एडिट करना है तो सिंपल इस आइकन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं. अगर डिलीट करना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अगेन आ चुके हैं इसके अंदर, पेंडिंग अप्रूवल, रिक्वायरमेंट, मॉडिफिकेशन, ड्राफ्ट, डिनाइड, पॉज, कि आपका जो गिग एक्टिव है और उनमें कोई इशू नहीं है वो सारे गिग आपको यहाँ पे शो होंगे. कोई पेंडिंग अप्रूवल में मतलब फाइवर उसको देख रहा है कि इसको अप्रूव किया जाए या ना किया जाए, तो वो सारे यहाँ पे शो होंगे. इस तरह से फाइवर अगर आपने कोई चीज़ ऐसी डाली हुई अपने गिग के अंदर जो फाइवर के टर्म्स एंड कंडीशंस के ख़िलाफ़ है, और तो फाइवर आपको मॉडिफाई कर देगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि आपके इस गिग के अंदर ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करें, उसके बाद आप ये इसको दोबारा पब्लिश करें. और इसी तरह से जो आपने गिग अभी पब्लिश नहीं किए वो ड्राफ्ट में, और जो फाइवर ने बिल्कुल डिनाई कर दिए उनको एक्सेप्ट नहीं करता फाइवर, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे. और कुछ गिग्स जो पॉज्ड हैं, आप नहीं चाहते कि वो दूसरे बायर्स को शो हो, वो सारे गिग्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है एनालिटिक्स का. तो यहाँ से मैं कंप्लीट एनालिटिक्स देख सकता हूँ अपने पूरी प्रोफाइल के, कि मैंने
किस मंथ के अंदर कितना बिजनेस किया, कितनी मैंने सेल्स की, कितने ऑर्डर्स लिए, कितने मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ग्राफ के अंदर डिटेल के अंदर बात आ रही है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं लेवल्स के अबाउट, उसके अबाउट भी हम आगे चल के डिटेल के अंदर बात करेंगे। और यहाँ पे हम तकरीबन तमाम तरह के एनालिटिक्स देख सकते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से या US से। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालिटिक्स में देखने को मिलेंगी। अर्निंग्स की तमाम रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि कितनी आपने अर्निंग्स की, कितना दिनों के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स है, कितनी अर्निंग है, इस तमाम चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। उसके बाद ये फाइवर की कम्युनिटी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो ये फाइवर का फोरम आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आपका कोई इशू है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, आपको राय देंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक इशू है या कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है या कोई सजेशन आपको चाहिए, तो डिफरेंट लोग यहाँ पे बैठे जो कि आंसर क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे, तो आप भी कर सकते हैं जिस तरह से डिफरेंट लोगों ने किया हुआ है। कैन आई शेयर गूगल ड्राइव लिंक इन टू बायर इनबॉक्स, आप डिफरेंट लोगों ने, लेट्स से एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा और डिफरेंट लोगों ने इसको जवाब दिए हुए हैं कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो ये कम्युनिटी का सारा टैब है। और यहाँ पे हमारे पास मोर का ऑप्शन है। मोर के ऑप्शन के अंदर सिंपल हमारे पास ये बायर रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आता है, जो बायर्स जो आप पोस्ट करते हैं वो आपको पोस्ट यहाँ पे नज़र आएंगी और आप उनके ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। और नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स की तरह उनके ऊपर आप अप्लाई भी कर सकते हैं जॉब्स के अंदर। टोटल आप 10 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं डेली, राइट। तो ये ऑप्शंस हो गए। उसके बाद मैं अगेन इस पर क्लिक करूंगा, हमने सेटिंग्स की ऑप्शंस देखनी है। मैं सिंपल क्लिक करूंगा सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे देखूंगा अकाउंट की सेटिंग्स, मैंने नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम, और यहाँ पे मेरा जो प्रोफाइल है वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है ये देख सकता हूँ। और उसके बाद अगर मुझे अपना अकाउंट डिलीट करना है तो यहाँ से सिंपल मैं डिलीट कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी के रिलेवेंट मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, फ़ोन वेरीफाइड है मेरा, ठीक है, उसी तरह से सिक्योरिटी क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है, इसको चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपकी प्रोफाइल कितनी जो है वो उसके ऊपर कौन कौन सी डिवाइसेस के ऊपर लॉगिन है, राइट। तो मेरा अभी ये प्रोफाइल सिर्फ इसी एक डिवाइस पे लॉगिन है, तो यहाँ पे देखिए ये एक ही डिवाइस शो करवा रहा है। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिफिकेशन, कौन कौन से नोटिफिकेशन हम चाहते हैं उनकी सेटिंग्स हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या मैं नोटिफिकेशन ईमेल में भी चाहता हूँ, जो ईमेल इस अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, अभी हमने कोई पेमेंट मेथड, W-9 फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने इसको पहले ही फिल कर दिया था कि हम US सिटीजन नहीं है, राइट। तो ये था बेसिक सा डैशबोर्ड का कंप्लीट ओवरव्यू। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आप अपने फाइवर के अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं और उसके डिफरेंट ऑप्शंस को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और कौन सा ऑप्शन आपके किस काम आ सकता है। तो कोई भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।